नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मोबाइल का इस्तेमाल तो सभी लोग करते ही होंगे। आज के दौर में मोबाइल हर किसी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी साधन बन चुका है। मोबाइल ना हो तो अपने आप को दुनिया से कटा हुआ महसूस करने लगते हैं, इसलिए मोबाइल हर वक्त चार्ज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन मोबाइल चार्जिंग से जुड़े कुछ गलतियां हैं जिन पर आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते। इन गलतियों को यदि आप बार बार दोहराते हैं तो आपका मोबाइल भी ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम मोबाइल चार्जिंग से जुड़े कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिन पर यदि आप ध्यान देते हैं तो आपका मोबाइल की लाइफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन से जुड़े वे जो पहला गलती है वे बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं। लोग अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए किसी भी चार्जर का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपकी मोबाइल की बैटरी में या तो पावर सप्लाई अधिक होने लगेंगे या फिर कम होगी। दोनों ही सूरत में मोबाइल की बैटरी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी, इससे आपको मोबाइल की लाइफ कम होती है। सबसे बढ़िया है कि अगर आपका जो भी चार्जर मोबाइल के साथ मिला है उससे ही आप चार्ज करें। अगर आपका मोबाइल चार्जर खो गए या फिर ख़राब हो गए तो दूसरा चार्जर ऑर्डर कर लें। दोस्तों, दूसरी गलती जो है कि मोबाइल को हर वक्त 100% चार्ज रखने की गलती भूल कर भी ना करें। आपको बता दें कि इससे आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो जो बैटरी की चार्जिंग सर्कल की संख्या पहले से ही निर्धारित होती है। अगर आप हर वक्त 100% बैटरी चार्ज रखेंगे तो जो संख्या जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। सबसे बढ़िया है कि अपने मोबाइल को 80% ही चार्ज रखें। इसकी साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि अपने मोबाइल को 0% चार्ज ना होने दें, जो स्थिति में भी आपकी मोबाइल की बैटरी लाइफ कम करती है। अब दोस्तों, तीसरी गलती क्या है? तीसरी गलती वही है कि रात भर मोबाइल चार्ज करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सोने से पहले मोबाइल को चार्जिंग पर लगा देते हैं और फिर उसे रात भर चार्जिंग पर लगा ही छोड़ देते हैं। मोबाइल को चार्ज करने का जो तरीका भी ठीक नहीं है, इससे फिजूल का बत्ती तो खर्च होता ही है। और इतना ही नहीं, मोबाइल को इतने लंबे समय के लिए चार्ज पर लगाने से मोबाइल की बैटरी बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं, ऐसे में आपको मोबाइल की बैटरी ख़राब हो सकती है। अब दोस्तों, चौथी गलती की बात करें तो चौथी गलती यह है कि चार्जिंग के वक्त फ़ोन को इस्तेमाल ना करें। आजकल की फास्टैग लाइफ में लोगों को मोबाइल के अच्छे से चार्ज हो जाने तक कभी सब्र नहीं होता है। लोग मोबाइल से पल भर की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अधिकतर लोग मोबाइल की बैटरी 0% तक यूज़ करते हैं, ऐसे में देखा जाए तो ये बहुत ही गलत तरीका है। लेकिन इससे भी ज़्यादा गलत तरीका यह है कि चार्जिंग के दौरान मोबाइल को यूज़ करना। कोई लोग तो चार्जिंग पर लगा के मोबाइल को बाद भी करते हैं, इससे क्या होता है कि मोबाइल की बैटरी ओवरहीट हो जाती है। इसी स्थिति में मोबाइल को नुकसान पहुंचता है और मोबाइल के साथ साथ आपको भी हानि पहुंचता है। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन चार्जिंग से जुड़े पांच नंबर गलती की बात करें तो पांच नंबर गलती दोस्तों यह है कि आप में से सभी लोग तो मोबाइल का कवर इस्तेमाल करते ही होंगे, और इस कवर को जब भी आप मोबाइल चार्जिंग पर लगाते हैं तो निकाल दिया करें, क्योंकि ऐसा ना करने से अपना मोबाइल की बैटरी तो गर्म होता ही है, इसके साथ साथ अपना मोबाइल भी गर्म हो जाता है, जिससे कि अपना मोबाइल ख़राब होने लगता है। और दोस्तों, मोबाइल फ़ोन चार्जिंग से जुड़े इन पांच गलतियों को आप भी करते हैं तो इसे दोबारा ना दोहराएं और अपने मोबाइल की लाइफ बढ़ाएं।